हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मायरा लाइफ में। और आज की वीडियो में गाइज, आज मैं आपको दूध से बनने वाली एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बता रही हूँ जिसको लगाते ही आपके फेस पे ऐसा जादू हो जाएगा, आपका जो स्किन है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। एक्चुअली मिल्क में होता है विटामिन ए जो आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है, और जो मैं आज रेमेडी बताने वाली हूँ ये एकदम क्रीम की तरह स्मूथ है और आपके फेस को भी दूध जितना ही गोरा बना देगी। तो देखिए, फेस लगाने से पहले मेरा इस तरह का है। कई बार क्या होता है, बाहर धूप में जाने की वजह से फेस पे जो टैनिंग हो जाती है, हमारे जो गंदगी मैल जमा हो जाता है पोर्स पे या फिर आपके जॉइंट पे, देखिए हैंड्स के, अगर आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो देखेंगे आपका जो पुराने से पुराना मैल और गंदगी है फेस से वो निकल के साफ हो जाएगी। ओपन पोर्स आपके जो हैं वो क्लोज होंगे, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और शाइनी हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। बनाने के लिए हमने ली है एक कटोरी, और उस कटोरी में हमें डालना है चावल का आटा। चावल का आटा आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो चावल का आटा है ये आपके फेस के जो स्पॉट्स हैं उनको बहुत लाइट करेगा, आपके डार्क सर्कल्स को भी ये बहुत ज़्यादा ख़त्म करता है और आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एकदम जो है ग्लास स्किन इससे हो जाती है। सेकंड जो है हम लेंगे हनी। हनी आपके फेस की जो है डीप क्लीनिंग करता है, चेहरे को मॉइस्चराइज्ड रखता है और जो है चेहरे को एकदम मुलायम बनाता है। और उसके बाद हम इसमें लेंगे थोड़ा सा नींबू। हमने आधा नींबू का काटा था और आधे का भी आधा हमने इसका जूस निकाला है और फिर लिया। नींबू अंदर तक क्लीनिंग करेगा फेस से, सारा मैल निकालेगा। और जो आज हमारा जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। देखिए मैंने लिया है थोड़ा गर्म दूध, एकदम ठंडा नहीं लेना है, थोड़ा गर्म हमें मिल्क लेना है जिससे ये आटा है हमारा जो चावल का आटा है ये एकदम फूल जाए और एकदम स्मूथ इसका पेस्ट बन जाए। हमें दरदरा वाला पेस्ट नहीं चाहिए, एकदम क्रीमी पेस्ट चाहिए। तो हमें दूध को थोड़ा गर्म करके लेना है और उसके बाद हल्का हल्का मिला के इसका एक पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट आपको इतना पतला या इतना गाढ़ा रखना है जो आपके फेस पे आसानी से अप्लाई हो जाए और आप जिसको लगाने में कंफर्टेबल हो आप उतना इसे पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे ले लिया है, इस तरह से बना लिया है। ये बहुत ही स्मूथ एकदम क्रीम की तरह लग रहा है, ये लग रहा है किसी मार्केट से स्किन ब्राइटनिंग जो क्रीम होती है बिल्कुल उसकी तरह, देख सकते हैं एकदम स्मूथ इसका टेक्सचर है। देखिए अब इसे अप्लाई करने की बारी है। फेस को हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे किसी फेस वॉश से और उसके बाद हमें इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करना है फेस में ऊपर की तरफ, और देखिए पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप अपने हाथ पैरों पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये टैनिंग को ख़त्म करेगा आपकी स्किन के, और जो डार्क एरियाज हैं आप उन पे भी इसे लगाइए, इससे भी आपकी डीप क्लीनिंग हो जाएगी और आपके डार्क एरियाज भी जो हैं वो ब्राइट होने लग जाएंगे। आप इस रेमेडी को ट्राई करिए, आप वीक में एक बार इसे लगाइए, देखेंगे आप बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। देखिए मैं इसे अच्छे से अपने हाथ पैरों में भी लगा लूँगी, हाथों पे मैंने इसे लगाया है। वीक में अगर आप इसे एक बार लगाते हैं तो एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है आपके हाथों पैरों की भी, आपके फेस की भी, जिससे आपका पुराने से पुराना मैल है या जो आपके इससे मसाज करने से जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं वो भी एकदम क्लीन हो जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मसाज देनी है, जो स्किन में अंदर तक गंदगी गई है वो इससे निकल आएगी बाहर। और इसे हम 15 मिनट रखने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद आप फेस पे ग्लो देख सकते हैं, एक अलग ही ग्लो है। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक और स्टेप है, उसे करे बिना ये जो मास्क मैंने बनाया वो अधूरा है। देखिए आप पहले देख लीजिए फेस और हाथों पे कितनी अच्छी शाइन आ चुकी है, और उसके बाद हमने जो ये मास्क लगाया था उसके बाद हमें देखिए नारियल तेल लेना है थोड़ा सा, और हल्का सा डैप डैप करते हुए हल्के हाथों से मसाज करनी है। जो भी
पोर्स हमारे ओपन रह गए हैं उन्हें हम हल्के हाथों से मसाज करते हुए उन्हें बंद कर लेंगे। और कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, गर्मियों में ये फेस को ठंडक देता है और अंदर तक स्किन की डीप मॉइस्चराइजिंग करता है। देखिए इस तरह से हम इसे लगा लेंगे और फाइनली आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ फेस हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।